हाय व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई लाल सिंह चड्ढा एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, डीप में बात करेंगे, कितना आया है, किधर से आया है, क्या आया है, पूरे के पूरा डीप में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो लाल सिंह चड्ढा का जो बजट है ना वो भाई बहुत ज्यादा है। लाल सिंह चड्ढा का बजट ऑलमोस्ट 180 करोड़ बोल रहे हैं, 200 करोड़ मान के चलो। तो भाई इसको हिट होने के लिए ना बड़ा बड़ा कलेक्शन चाहिए। तो ये आएगा नहीं आएगा, इसके लिए तो सेकंड जो वीक रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई आमिर खान का जादू किस तरीके से चलता है वो देखना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है भाई, आमिर खान की मूवी तो भाई जबरदस्त कमाई करेगी भाई। देखो ये वर्ल्ड वाइड तो बहुत जबरदस्त कमाई करेगी, बट जो इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, अपना जो होम ग्राउंड होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो साउथ का जो मूवीज होता है ना वो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं विक्रांत रोना का, उसको अपने स्टेट में इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला, इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला कि भाई वो लोगों ने भाई मतलब 4 दिन के अंदर ही भाई है ना, मतलब वो बोलते ना पार्टी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सेलिब्रेशन कर लिया 4 ही दिन में, क्योंकि अपने स्टेट से जो रिस्पॉन्स मिला, अपना जो होम ग्राउंड होता है ना, अपना जो घर होता है, वहां से विक्रांत रोना को जो सपोर्ट मिला था भाई अमेजिंग था। एंड ये हर मूवी के साथ होता है, साउथ की अल्लू अर्जुन की मूवी हो जाए, रवि तेजा की मूवी हो जाए, एक्स वाई जेड, मतलब यार उनको जो अपने घर से जो सपोर्ट मिलता है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। अब आमिर खान को भाई हिंदी के अंदर किस तरीके से सपोर्ट मिलता है ना देखने वाली बात रहेगी। बाकी यार एक्चुअली देखो आफ्टर कोरोना, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई है ना आमिर खान की मूवी है तो कम से कम 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ आना चाहिए। भाई देखो ये चीज है ना कोरोना के पहले होती थी, कोरोना के बाद भाई देखो इतना बड़ा ओपनिंग लेना बहुत मुश्किल है। केजीएफ चैप्टर 2 को साइड पर रख दो, वो एक अलग मूवी थी, वो तो भाई ऐसी मूवी थी ना कि भाई लोगों का इमोशन था, तो उसको छोड़ दो यार। ट्रिपल आर जैसी मूवी का भी हिंदी में जो कलेक्शन था वो आपको पता ही होगा। बाकी आप देखो यार सिर्फ केजीएफ 2 को हटा दो, आपको पता चल जाएगा हिंदी में कौन सी मूवी का क्या हाल होता है। आज के टाइम पे भाई अगर 15-20 करोड़ का भी ओपनिंग लेता है ना कोई मूवी हिंदी के अंदर, तो भाई ये मेरे लिए तो भाई 35-40 करोड़ के आसपास है, क्योंकि आफ्टर कोरोना भाई देखो डाउन गया है हर चीज का जो कलेक्शन आता है वो डीपी आता है। अगर आपकी मूवी डबल डिजिट में भी जाती है ना फर्स्ट डे, तो ये भी बड़ी बात होती है। एनीवेज अपन एडवांस बुकिंग कलेक्शन पे बात करते, कितना हुआ है, क्या हुआ, इस पे नजर डालते। मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट जो जगह है जहां पे जबरदस्त तरीके एडवांस बुकिंग हुआ है उसका पहले बताता हूं। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं मुंबई की। मुंबई देखो, मुंबई में ऑलमोस्ट 43 लाख रुपीस का एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ है। अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो 10% है, 552 शोज है, 6 हाउसफुल है। हाउसफुल इतना देखने को नहीं मिल रहा है, बट देखते आगे क्या होता है। उसके बाद मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस, 11% की ऑक्यूपेंसी है, 683 शोज है, 11 हाउसफुल है, चलो ठीक है। पुणे की बात करें ऑलमोस्ट 15 लाख, 9% की ऑक्यूपेंसी, 239 शोज है, 1 हाउसफुल है। हाउसफुल इतना देखने को मिल नहीं रहा है, बट आगे देखते भाई। इसका जो हैदराबाद में जो चल रहा है ना जादू, वो मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगा है लाल सिंह चड्ढा का। पुणे की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 लाख, बेंगलुरु की बात करते हैं बेंगलुरु की 14,70,000 रुपीस, 14.69 लाख, 6% ऑक्यूपेंसी है, 337 शोज है, 1 हाउसफुल है। देखो हाउसफुल तो इतना कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 683 शोज है, उसके अंदर से 11 हाउसफुल है। मुंबई की बात करें तो भाई ऑलमोस्ट 550 शोज है, 6 हाउसफुल है। भाई इतना कम हाउसफुल यार इतना कुछ जचता नहीं है, क्योंकि आमिर खान की मूवी है तो यार हम थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सेप्ट करते हैं, तो इतने में मजा नहीं आता। बट हैदराबाद की बात करो तो हैदराबाद ने दिल खुश किया है, मैं आपको बताता हूं। हैदराबाद में देखो एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 25 लाख का, 21% की ऑक्यूपेंसी है, 162 शोज है। मतलब दिल्ली और मुंबई से तो भाई बहुत मतलब 4 गुना कम शोज लगे हैदराबाद के अंदर, बट वहां पे जो हाउसफुल है ना 24 शोज, 2400 ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुके हैं। ये बड़ी बात है यार, हैदराबाद में जबरदस्त रिस्पांस मिला है। उसके बाद कोलकाता की बात करें तो 6.65 लाख, 6% ऑक्यूपेंसी, 182 शोज, हाउसफुल कोई भी नहीं है। अब देखो जो भी आएगा ना हाउसफुल ऑलमोस्ट किसी में है ही नहीं, तो मैं सीधा आपको कलेक्शन बताता हूं एंड शो कितने बताता हूं, ठीक है। अहमदाबाद की बात करें तो ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपए का, 9.5 लाख रुपीज का एडवांस बुकिंग है, 290 शोज है, हाउसफुल यहां पे भी कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें जयपुर में 10.77 लाख, 14% की ऑक्यूपेंसी, 116 शोज, 3 हाउसफुल, चलो ठीक है। चंडीगढ़ की बात करते ऑलमोस्ट 4,20,000, 4.20 लाख, 9% की ऑक्यूपेंसी, 82 शोज, 2 हाउसफुल। भोपाल की बात करें तो भाई 1.85 लाख, मतलब 1.25 लाख, 72 शोज,
हाउसफुल कोई भी नहीं है। लखनऊ की बात करें 4.72 लैक्स, 98 सोस हाउसफुल कोई भी नहीं। और लखनऊ चलो ठीक है, कानपुर ऑलमोस्ट 3.5 लाख 32 सोस हाउसफुल कोई भी नहीं है। नागपुर की बात करें 3 लैक 65 सो हाउसफुल कोई भी नहीं है। वडोदरा की बात करें 3.26 लैक्स हाउसफुल कोई भी नहीं भाई, 167 सोस भाई हाउसफुल इतना कुछ देखने को मिला नहीं है। बट मैं आपको आगे एक चीज बताऊंगा, प्लीज उसको ध्यान से सुनना ठीक है। लुधियाना की बात करते 3.76 लाख ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ 41 सोस हाउसफुल यहां पे भी कोई भी नहीं है। देखो मैं आपको, देखो इतना कुछ खास बुकिंग नहीं है, सीधा मैं आपको बता देता हूं एकदम फटाफट, जैसे जो भी जितने भी सोस है जितना कलेक्शन है देख लो आप। आगरा की बात करें 1.32 लैक्स हाउसफुल कोई भी नहीं है, 16 सोस है। नासिक की बात करें 1 लाख 36 सोस हाउसफुल कोई भी नहीं। वाराणसी 1 लैक 13 सोस, राजकोट 4.85 लैक्स मतलब 4.5 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है, 39 सोस है हाउसफुल कोई भी नहीं है। बट ऑलमोस्ट यार इसके अंदर से हाउसफुल ज्यादा जाएंगे, फास्ट फीलिंग होगा, हाउसफुल होने वाला होगा क्योंकि 39 सोस है उसमें से ये लोगों ने एटलीस्ट समझो ना 5 लाख का एडवांस बुकिंग करा दिया है, तो इसका मतलब हाउसफुल बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलेगा। राजकोट में ऑलमोस्ट 100 जितने भी है ना आपको हाउसफुल देखने को मिलेंगे। उसके बाद जबलपुर ऑलमोस्ट 85,027 सोस, जमशेदपुर 35,000 चलो ठीक ठाक ही चल रहा है भाई ये सारा के सारा। ग्वालियर की बात करें 1 लाख, जोधपुर की बात करें 1 लाख, देहरादून की बात करें 2.21 लाख। देखो सूरत यार, सूरत का मेरे को एक्चुअली मैं थोड़ा सा देख के शॉक हो गया कि भाई वहां पर इतना जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुआ है, बिकॉज मेरे को सूरत से इतना उम्मीद रहता नहीं है। बट चलो ठीक है यार, सूरत से इतना अच्छा एडवांस बुकिंग अगर हुआ ही है तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई मैं खुद बोल रहा हूं ना मेरे को सूरत से इतना कुछ यार पॉजिटिविटी नहीं देता, क्योंकि इतना कुछ ज्यादा वहां पर एडवांस बुकिंग होता नहीं है। बट फिर भी अगर सूरत की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 लाख का एडवांस बुकिंग सूरत से भी किया है। अच्छा देखो मैं इसका टोटल आपको बताता हूं, टोटल अभी तक लाल सिंह चड्ढा ने मैं सिर्फ आपको डे 1 का बता रहा हूं, मैंने इसमें डे 2 डे 3 डे 4 का ऐड किया नहीं है, हालांकि वो अलग से होता है, उसका भी एडवांस बुकिंग हुआ है अच्छा खासा, बट मैं उसको छोड़ के मैं आप लोगों को बता रहा हूं ऑलमोस्ट 4 करोड़ का एडवांस बुकिंग लाल सिंह चड्ढा ने किया है, 4 करोड़। देखो एक्चुअली बजट के हिसाब से देखने के लिए जाएंगे ना तो मैं बोलूंगा कि भाई कम है, बजट के हिसाब से मैं इसको कम बोलूंगा, क्योंकि अगर इसका बजट 120-130 करोड़ था ना, 150 करोड़ भी होता ना तो भाई मैं बोलता कि चलो एडवांस बुकिंग अच्छा हुआ है। एटलीस्ट यार बजट के हिसाब से देखने जाए ना तो भाई एटलीस्ट 8-9 करोड़ का एडवांस बुकिंग चाहिए था, इतना तो पहुंचा नहीं है। बट अगर 5 करोड़ तक भी पहुंचता है एंड ये डबल डिजिट में पहले दिन कलेक्शन लेके आता है, 15 करोड़ प्लस इसको लाना पड़ेगा, जो कि मेरे को लगता है पॉसिबल है। देखो एक्चुअली आमिर खान की जो मूवी है ना इसको फैमिली ज्यादा देखने के लिए जाती है, तो भाई देखो बहुत कम लोग होते हैं जो कि एडवांस बुकिंग कलेक्शन मतलब एडवांस बुकिंग करते हैं, वो थिएटर से ही जाके टिकट बाई करेंगे। तो डेफिनेटली कल जब वो ऑफलाइन टिकट ओपन होगा जब, तो डेफिनेटली आपको लंबी भीड़ देखने को मिलेगी एंड इस मूवी को लोग इंजॉय करने के लिए जाएंगे। 15 करोड़ से तो ऊपर इसका 100% बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है, जो भी अब फाइनल प्रेडिक्शन रहेगा आपको रात को देखने को मिलेगा। 4 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है, मैं चाहता हूं और 1 करोड़ का करे, 5 करोड़ का करे, तो डेफिनेटली ये 15 करोड़ का ऊपर का बिजनेस मारेगी। एंड अगर ये 15 करोड़ ऊपर आती है ना तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये भाई अप ही होता चला जाएगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अगर रिव्यूज के ऊपर बात है। अच्छा देखो इतने सारे रिव्यूज आए, इतने सारे क्रिटिक्स के रिव्यू आए, चलो सब इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पब्लिक, पब्लिक का रिव्यू किस तरीके का आता है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन का दोनों का फ्यूचर। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।